हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडीज। एक और नया दिन, एक और नए डिश के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की स्पेशल और हम सब की फेवरेट मटर की चाट। सुनकर ही आप सबके मुंह में पानी आ गए होंगे, तो देर ना करते हुए हम आज की मजेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मटर की चाट बनाने के लिए मैंने एक कटोरी हरे मटर के लिए है, 5 से 6 आलू लिए हैं जिसे मैंने बॉयल कर लिया है, कुछ हरे लहसुन को बारीक कट करके ले लिया है और 2 हरी मिर्च की ली है और कुछ हरी धनिया ली है। सबसे पहले हम मटर को फ्राई करेंगे, तो मटर फ्राई करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी और 1 पिंच हींग ऐड करूंगी। यह हल्का सा चटक जाए तो अब मैं इसमें मटर ऐड करूंगी, उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च और हरा लहसुन ऐड करूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। और लगभग 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी और इन्हें ढककर 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। तो 10 मिनट हो गए, हम एक बार मटर को चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए मटर बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी और इन्हें 1 से 2 मिनट भूनूंगी। और अब इस तरीके के मैशर से इसे हल्का हल्का मैश कर लूंगी, बहुत ज्यादा इसे मैश नहीं करना है। और अब ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती भी ऐड करूंगी, इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें मैं निकाल के अलग रख दूंगी। तो अब मैं टिक्की के लिए आलू रेडी करूंगी। तो मैंने आलू को ऐसे कद्दूकस कर लेना है, अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। तो आलू मैश हो गए हैं, अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। आप चाहे तो नमक स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्टफिंग में भी नमक है। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी, ऑयल और कॉर्नफ्लोर से बाइंडिंग बहुत अच्छे से होते हैं, तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आलू बिल्कुल रेडी है, अब मैं टिक्की बना लेती हूँ। सबसे पहले हम आलू के पेड़े रेडी कर लेंगे, तो मैं पहले सारे आलू के पेड़े रेडी कर लेती हूँ। तो पेड़े बिल्कुल रेडी है, अब इस तरीके से मैं फैला कर इसे हाथ से बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से इस तरीके से मैं थोड़ा सा स्टफिंग कर लूंगी और बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से दबाकर मैं इसे बंद कर दूंगी। बिल्कुल आराम से करना है, इसे ये टूटेंगे नहीं। ये हो गए, अब इसे इस तरीके से सेव दे दूंगी। तो टिक्की रेडी हो गई है, अब एक एक करके मैं सारी टिक्कियां रेडी कर लूंगी। तो टिक्कियां रेडी हैं, अब मैं एक बोल में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लूंगी और इस तरीके से सभी टिक्कियों को ऐसे डस्टिंग कर लूंगी, इससे टिक्कियां जो तवे पे चिपकेंगी नहीं। तो तवे पर मैंने देसी घी अप्लाई कर लिया है, अब एक एक करके मैं टिक्कियां रखूंगी और ये सेकूंगी। तो मैंने यहाँ देसी घी यूज किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इस टिक्की को देसी घी में बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट लाजवाब होगा। तो ऊपर से भी मैं थोड़ा सा देसी घी ऐसे डाल लूंगी। अच्छे से हमें इसमें देसी घी या फिर ऑयल यूज करना है, तभी टिक्कियां बिल्कुल एकदम क्रिस्पी सिकेंगी। अब मैं एक बार इसे पलट लेती हूँ, ये देखिए इस साइड से बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। तो टिक्कियां बिल्कुल फ्राई हो गई हैं, दोनों साइड से काफी अच्छे से फ्राई हुई हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और देखिए कितने अच्छे बने हैं, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी हैं। अब मैं बाकी की टिक्कियों को सेक लूंगी और फटाफट से इन टिक्कियों की प्लेटिंग करती हूँ। तो हरे मटर की करारी टिक्की चाट बिल्कुल रेडी है,
आप लोगों ने आलू टिक्की चाट बहुत बारी खाई होगी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रेसिपी है जो कि केवल सर्दियों में ही बनाना पॉसिबल है। तो देर किस बात की, फटाफट से आज ही इस रेसिपी को ट्राई करिए, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आज की मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए, गर्मा गर्म टिक्की चाट खाइए।